नमस्कार दोस्तों, प्रीतिस विंगर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट बटर की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन फाइबर फैट हर चीज़ से भरपूर है। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी और हमारे लिए तो हेल्दी है ही। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप पीनट लिया हुआ है। ये कच्ची मूँगफली जो होती है, गाँव मूँगफली, यहाँ पर मैंने लिया है। ये 250 ग्राम के लगभग है। हम इसे धीमी आंच पर, हमको इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखिए, इसको हमको धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है, ताकि जो इसका ऑयल है नष्ट ना हो, बाद तक बना रहना चाहिए। ये जो पीनट बटर होता है, ये हम ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, सैलेड के साथ भी खाना बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद होता है, और बटर जो होता है हमारा, उसका काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट है ये हमारे लिए। शाम के समय हमें क्रेविंग होती है कुछ खाने की, जो छोटी मोटी हमको भूख लगती है, उस समय हम अगर वेट लॉस कर रहे हैं, अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो हमारे लिए हम सैलेड के साथ इसे 1 स्पून ले सकते हैं। और ये बच्चों को भी शाम के समय जो क्रेविंग होती है खाने को, उन्हें स्नैक्स कुछ चाहिए रहता है खेलने के बाद, तो हम इसे ब्रेड में सैलेड के साथ लगा कर ईजिली उनको सैंडविच बना कर दे सकते हैं। क्योंकि आजकल जो बटर होता है उसको इतना हेल्दी नहीं मानते, लेकिन ये जो होता है काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। ये प्रोटीन और फैट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आजकल, जिसे हम वेट लॉस या डायबिटीज पेशेंट है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है ही। और इसमें गुड फैट होते हैं, और आजकल जो डाइटिशियन होते हैं उनकी भी लिस्ट में सबसे नंबर 1 बटर होता है, क्योंकि इसका जो फैट होता है वो एक हेल्दी फैट होता है, और जो फैट होता है वही हमारे अच्छे हार्मोन्स बनाता है। तो हम वुमेंस के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, हमें इसे ज़रूर बनाकर यूज़ करना चाहिए। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता, इसे बनाने के बाद हम 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में इसे स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पिंक मूँगफली थी, तो मैंने पिंक मूँगफली ही लिया है। अगर आपके पास रेड वाली हो, पिंक वाली हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप किसी से भी इसे बना सकते हैं। देखिए इसका कलर अब हल्का मुझे चेंज लग रहा है। धीमी आंच पर ही हमें इसे आराम आराम से रोस्ट करते जाना है, ताकि बाद में जो इसका छिलका है वो अच्छे से निकल सके। देखिए अब रोस्ट हो गई थी, उसके बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल कर इस तरीके से ठंडा कर लिया है। इस प्रकार से हम इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं इसके छिलके, या इस प्रकार से हमने कपड़ा ले लिया है उस पर भी हम इसे डाल कर इस प्रकार से हमको मलना है, उससे हमारी जो इसके छिलके हैं मूँगफली के, वो ईज़िली निकल जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार से मैंने इस तरीके से उसको डाला है, ताकि जो हमारे छिलके हैं उसको हम इजीली इससे अलग कर सकें। बहुत ही आसानी से इस विधि से ये अलग हो जाएंगे। देखिए मेहनत भी हमको कम लगेगी, और हमारे जो इसके छिलके पूरी तरीके से निकाल लिया है हमने इसे। और अगर आपके पास कोस्केट मूँगफली है, तो आपको तो बनाने में 1 से 1.5 मिनट ही रखना है। हमने इसे मिक्सचर जार में देखिए डाल लिया है, और हमको इसे पाउडर बनाने तक चलाएंगे हम जस्ट 30 सेकेंड के लिए। अब हम इसमें, यहाँ पे मैं अब इसमें 1 चम्मच के लगभग नमक डाल रही हूँ। अगर आपको शक्कर भी अगर पसंद है या शहद, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल भी आप इसमें डाल सकते हैं, बस नारियल का तेल और सरसों का तेल इसमें ना डालें। अगर मूँगफली का तेल है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए फिर से मैंने इसे चला लिया है, एक पेस्ट बनाने तक हम इसे फिर से 30 सेकेंड तक हमको इसे चला लेना है। जब ये एक पेस्ट जैसा बन जाए, तब हम इसे बंद कर देंगे मिक्सी को। और हम देखिए अब चेक करते हैं कि इसमें दाने पूरी तरीके से एक पेस्ट के जैसा बन चुका होना चाहिए, दाने इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है, और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।